हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास. सो येस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. ओके, नाउ हियर आर फाइव टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज. ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट इट. नाउ फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज, सो क्लास इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज. इट इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम करस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट. ओके, तो एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है? वो क्लास इंटरवल जिसमें एक्सक्लूड करते हैं आइटम्स उसकी अपर लिमिट के अकॉर्डिंग. जैसे सपोज ये देखिए 10 to 15 क्लास इंटरवल है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ये हमारे क्लास इंटरवल है. ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या रोल है? फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4, 5, 8, 4, 2. तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो हमारी सीरीज हैं, अब जैसे सपोज ये वाली है 10 to 15, तो जब हम इसमें काउंट करेंगे तो हम 10 से लेके 14 तक नंबर्स देखेंगे. ये जो 15 है यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि 15 को हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड हो गया, यानी कि अपर लिमिट को इसमें एक्सक्लूड करते हैं हम लोग. ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है. आपको ऐसे ध्यान रखना है, इसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज. इसमें 15 है तो यानी कि 15 से लेके 20 देखो नेक्स्ट में आ रहा है, तो यानी कि इसमें कहाँ तक लेंगे, 15 से लेके 19 तक. यहाँ पे कहाँ से लेंगे, 20 से 24, 25 to 29 and 30 to 34. ठीक है, तो ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होती हैं. अब आ जाइए नेक्स्ट से हमारी इंक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है? इट इज दैट सीरीज इन विच ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट, उसकी अपर लिमिट पे डिपेंड करते हैं. जैसे जितना अपर लिमिट है वहां तक सारे आइटम इंक्लूड करना है, 10 से 14. देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 15 आ रहा है, अगर यहाँ पे हमारा 14 आ रहा होता तो हम यहाँ पे 14 इंक्लूड ना करते, 13 तक करते. ठीक है ना, तो लेकिन हमारा यहाँ 15 आ रहा है, यानी कि 14 हमें यहीं ऊपर ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले में देखो 14 के लिए स्पेस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 15 से 19 तक स्पेस है. उसके नेक्स्ट में 19 के लिए नीचे स्पेस नहीं है, सिर्फ 19 यहीं तक ही है, तो यानी कि आपको यहीं इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इंक्लूसिव में और एक्सक्लूसिव में. ठीक है, नेक्स्ट होता है ओपन एंड सीरीज. इन सम सीरीज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग. कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे करके दिया रहता है, तो दैट इज कॉल्ड ओपन एंड. देखो इसमें लिखा है बिलो 5 और बीच में रखो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 or 20 and above. तो आपने क्या देखना है, अगर मैं कहूँगी आपको इसको चेंज करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो आप इसको सेम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे मार्क्स, हेयर यू विल राइट मार्क्स एंड हेयर यू विल राइट फ्रीक्वेंसी. तो बिलो 5 यानी कि बिलो 5 से नीचे क्या होगा, देखो 5 का गैप आ रहा है, तो ये क्या होगा 0 to 5. बीच के आपको ऑलरेडी गिवन है 10 5 to 10 10 to 15 15 to 20 or 20 and above, यानी कि 20 से 25. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बस आपको इसको चेंज करना है. इज इट ओके? तो ये हमारी होती है ओपन एंड सीरीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है? इट इज दैट सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूसली एडेड टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज. उसको हर एक क्लास इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है, तो हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज हैं. सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज मार्क्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी ये तो सिंपल है कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 25 to and 30. फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन. नाउ देर आर टू वेज ऑफ कन्वर्टिंग इन टू सिंपल सीरीज को, अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में चेंज करती हूँ तो उसके दो मैथड होते हैं. मैथड फर्स्ट है मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह यू हैव टू राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ इन दिस सी जस्ट सी दिस, तो इसमें क्या करना है आपने, जैसे मार्क्स है, पहले मैं बता रही हूँ लेस देन वाला मैथड. एक होता है हमारा मैथड वन, लेस देन मैथड, यू कैन से लेस देन मैथड, एंड नेक्स्ट वन इज मोर देन मैथड. तो आपको क्या करना है, मार्क्स को लेस देन में चेंज करना है. तो लेस देन अगर मैं बात कर रही हूँ, इसमें देखो 5 से लेस तो नहीं है ना, क्या है 5 to 10, तो अपर लिमिट वाली टर्म्स लेस देन में इंक्लूड होती हैं. जो ये वाली टर्म है ये लेस देन में आएंगी. अगर आपको मोर देन में चेंज करना है तो आपकी ये वर्ड चेंज. क्यों? क्योंकि हम इसमें देखो 5 से 10 है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है,
टेन से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम एंड लेस देन 30. सो लेस देन 10, लेस देन 15, यू हैव टू जस्ट रिमाइंड दिस कि जो आपकी अपर लिमिट वाली लोअर टर्म्स हैं वो आपकी लेस देन में आती हैं, लोअर लिमिट वाली टर्म्स आपके मोर में जाती हैं. ठीक है, तो देखो अगर मैं 5 से 10, लेस देन 5 की बात कर रही हूँ, 10 से बात कर रही हूँ, 10 से कम कितने नंबर्स हैं? 3 हैं, कोई ऊपर नंबर नहीं है. ठीक है, इसके बाद लेस देन 15 से कम कितने नंबर हैं? भाई ऊपर वाले नंबर भी थे वो 5 से 10 है, 10 से 15, तो यानी कि ये दोनों हो गए, तो दोनों का कितना हो गया 3 + 8 = 11. लेस देन 20 की बात कर रही हूँ, तो यानी कि यहाँ तक के तीनों का चेक करेंगे तो 3 + 8 + 9 दैट इज 20. 25 की अगर बात कर रही हूँ तो यानी कि इन चारों का तो 3 + 8 + 9 + 4 + 4 दैट इज 24. ठीक है, 25 से 30 है यानी कि लेस देन 30 वाले की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल इंक्लूड, तो इन सब का सम 28. ये हमारा लेस देन मेथड. इसका एक और मेथड होता है मोर देन मेथड. मोर देन मेथड में मोर देन 5 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो लोअर लिमिट है वो हमारी यहाँ पे आती है मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20. तो इसमें क्या है, मोर देन 5 अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसी है अगर मैं कह रही हूँ 5 से ज़्यादा कितने नंबर्स हैं, 5 से सारे नंबर ज़्यादा हैं, तो यानी कि इनका सबको प्लस करके जो नंबर आया था, तो यानी कि कितना है 28. तो मोर देन 5 कितना हो गया आपका यहाँ पे 28. ठीक है, मैं कह रही हूँ मोर देन 10, 10 से ज़्यादा नंबर्स कितने हैं, तो इसमें क्या करना है आपको 28 टोटल दें, 3 माइनस कर दो क्योंकि वो 5 से 10 है, बाकी 10 से 15 है, तो वो माइनस हो जाएगा. तो आपने क्या करना है, लेस मतलब होता है कम, तो जब कम होगा तो उसका अपोजिट करना है, आपने कम को बढ़ाना है, तो यानी कि प्लस करना है. मोर मतलब ज़्यादा होता है, ज़्यादा को कम करना है, ऐसे ध्यान में रखना है आपने. कन्फ्यूज मत होना, जब भी लेस देन मेथड होगा सो यू हैव टू प्लस इट. ठीक है ना, यू हैव टू एड इट, बट वेन एवर इट इज मोर देन सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. बस ध्यान रखना, लेस मतलब कम तो आपको उसका अपोजिट करना है प्लस. मोर मतलब मेथड टू है आपका मोर देन मेथड. मोर मतलब ज्यादा, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, अपोजिट करना होता है. ठीक है, तो ये बहुत इजी है, जब आप लोग एक दो क्वेश्चंस करोगे इसके बेस पे सो यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड इट. नाउ नेक्स्ट वन इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज. दीज आर दो सीरीज इन विच वी हैव ओनली मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर. मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, इसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा, सिर्फ मिड वैल्यू दी होगी और आपको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी होंगी. फ्रीक्वेंसी दी होगी, मिड वैल्यू दी होगी, क्लास इंटरवल नहीं होगा. अब देखो मिड वैल्यू ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, तो क्लास क्या आएगी? मैंने आपको बताया था मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, L1 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको नहीं पता, ठीक है ना, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो मिड वैल्यू आपको पता है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. मिड वैल्यू आपको गिवन है 5, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा 10, तो यानी कि क्लास इंटरवल क्या बनेगा 0 से 10. ठीक है, ऐसे अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो 2 × 15 = 30 होगा, तो 30 यानी कि इन दोनों का सम 20 + 10. तो हमारा क्लास इंटरवल क्या आ रहा है इसमें, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 20 to 40, 40 to 55. ठीक है ना, तो ये हमारे क्या हो गए, क्लास इंटरवल हमने बनाया. तो जो आपके मेन क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके लेस देन मोर देन मेथड वाले और फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चन आते हैं टेली बार. ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट वन इज, ओ ये तो 5 ही थे शायद आपके ना, हाँ, तो ये हमारी मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज तक हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे. ठीक है ना, नेक्स्ट जो पोर्शन होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे एंड यू हैव टू डू होम असाइनमेंट ऑन इट. ओके, थैंक यू.